तो गाइस द अबिस नाम की एक मूवी हिंदी डब में आई है। आई होप मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, द अबिस। तो मैंने इसे देखकर कंप्लीट कर लिया है एंड मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको अपना कीमती समय इसमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कैसी है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि ये मूवी कैसी है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस ये एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है एंड बिना किसी स्पॉइलर के इसके स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसमें एक शहर को दिखाया गया है जहां पे एक बहुत बड़ा सा माइंस है एंड शहर की जो नीचे वाली जमीन है वह पूरी खोखली हो चुकी है, मतलब शहर कभी भी धस सकता है। एंड एक लड़का खो जाता है एंड उसका फैमिली उसे ढूंढने की कोशिश करता है एंड उस माइंस में कुछ लोग फंस जाते हैं। तो वह लोग बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं एंड वह लड़का मिल पाता है या नहीं मिल पाता है एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या वह शहर धस जाता है या नहीं धसता है एंड जो वहां पर लोग बसे हुए हैं वह बसते हैं या नहीं बसते हैं। इन सब सवालों का जवाब आपको इस फिल्म को देखने के बाद मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह की स्टोरी वाले फिल्म आप बहुत सारे देख चुके होंगे, तो इसमें कुछ भी आपको नया नहीं देखने को मिलता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलता है। तो मैं एक शब्द में इस फिल्म का रिव्यू करूं तो एंटरटेनिंग। आपको बहुत ही मजा देती है यह फिल्म, कहानी के एंगल से नहीं पर जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले है, यह आपको बांधे रखती है एंड आपको बहुत ही मजा देती है। तो इस जॉनर में आपको फिल्म में कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिंग की बात करें तो सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं एंड हाँ आपको लगता है कि हाँ इसने डिसेंट एक्टिंग की है एंड जो प्रोडक्शन क्वालिटी है टॉप नॉच है, आपको कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। जब बड़ा बड़ा जब बिल्डिंग धसता है तो ये सब एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है एंड इस जोनरा में आपको कुछ भी मतलब कमी देखने को नहीं मिलेगी। फिल्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है एंड इसकी हिंदी डबिंग में बहुत ही बढ़िया की गई है, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो गाइस मेरा फाइनल वर्डिक्ट है जी हाँ, इसे आप मतलब देख सकते हैं, ये आपको मजा देती है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो आप एक चांस इस फिल्म को दे सकते हैं, आपको फुल मजा देगी ये फिल्म एंड आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा इस फिल्म को। एंड आप यदि सर्वाइवल ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो इसे जरूर देखिएगा। ये फिल्म 1 घंटा 44 मिनट की है तो ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है। और हाँ आप इसे फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑकवर्ड सीन है जो आपको फैमिली के साथ नहीं देखने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस तरह के वीडियो मेरे YouTube चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।